जब आपके सामने कोई व्यक्ति जंग का नाम लेता होगा तो आपके मन में यह ख्याल आता है कि जंग जो कि दोनों तरफ से दोनों लोगों का नुकसान करती है। उसी कॉन्सेप्ट पर एक मूवी आई है जिसका नाम रखा गया है पिप्पा, जो कि आई है अमेज़न प्राइम वीडियोस पर। तो चलिए बात करते हैं कि पिप्पा मूवी किस टाइप की हो सकती है। मूवी लगभग 2 घंटा 19 मिनट की है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि जंग ना तो किसी देश पर कब्जा करने की है, यह जंग सिर्फ इंसानियत के लिए है। पाकिस्तान जो कि बांग्लादेशी लोगों को बिना किसी वजह से मारता जाता है और उनकी डेड बॉडी को कीड़े मकोड़ों की तरह नालों में बहा देता है। आप लोगों के लिए मैं याद दिला दूं, यह जंग 1971 में ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसी की अडेप्टेशन लेकर मेकर्स ने यह मूवी बनाई है। तो आखिर हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने बांग्लादेश को किस तरीके से फ्रीडम दिलाई है, इसके लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि बलराम सिंह मेहता जो कि पिप्पा टैंक के स्क्वाड्रॉन है, जो कि अपने यूनिक एक्सपेरिमेंट की वजह से इनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है। फिर मूवी की लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने टैकल किया और उनको हरा दिया। अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो मूवी देखने का क्या मजा रहेगा। वैसे ही यह रिव्यू स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से इंडिया पाकिस्तान के वॉर के रिलेटेड बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, लेकिन उन मूवी में हमको ज्यादा कुछ बैटलफील्ड वाला नहीं दिखाया है। इस मूवी में सबसे ज्यादा आपको बैटलफील्ड दिखाई गई है और उसके लिए मैं मेकर्स की तारीफ करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में मेकर्स ने बहुत ही कम VFX यूज किया है। ज्यादा से ज्यादा उन सीन को बनाने में मेकर्स ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। अच्छा किया मेकर्स ने इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। यार मैं इस मूवी के जो करेक्टर्स हैं उनसे यार पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, मूवी में सस्पेंस भी है, ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ जगह आपको इमोशन वाले सीन भी देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो सभी लोगों ने अपना रोल सही ढंग से निभाया है, जैसे कि ईशान और मुरली ठाकुर ने, और भी ढेर सारे एक्टर हैं जो इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी गुड लोग, मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो हमको कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। गुड बाय।